हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में डेटा ऑन होने के बाद भी यहाँ पर जो स्नैपचैट का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पर नहीं चलता है तो इसको आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है आप लोग यहाँ पर उसको प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। बहुत दिनों से अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो उसके वजह से ही आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर सही नहीं रहेगा तो इसके वजह से ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंटरनेट को जो है सही करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोग ना अपने मोबाइल में जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है उसको जो है क्लोज़ कर लीजिए। क्लोज़ करने के बाद आप लोग जो है दोबारा से उसको ओपन करिए, यानी कि बंद करके दोबारा से उसको ओपन करिए, तो जो है ऐसा करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, अगर दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल को एक बार रीसेट कर सकते हैं, या तो फिर अपने मोबाइल को बंद करके चालू कर लीजिए और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर सेटिंग में जाइए और एप्लीकेशन में जाइए। यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से स्नैपचैट को लिख के उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर कैचे करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी।